दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने उमरान मलिक, संजू सैमसन सहित 11 भूखे शेरों को शामिल कर सभी को चौंका डाला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज जल्द ही होने वाला है। ऐसे में आखिरकार भारत और वेस्ट इंडीज के बीच श्रृंखला का पहला वनडे मुकाबला कब खेला जाना है और कप्तान रोहित शर्मा ने कौन से 11 भूखे शेरों को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शामिल किया है और वेस्ट इंडीज और भारत के बीच अब तक कुल कितने वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस ब्रांड वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करेगी, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से रौंदकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। जहां इस श्रृंखला के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 27 जुलाई से बारबाडोस में होगी, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 29 जुलाई को इसी मैदान पर खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 1 अगस्त को ट्रिनिडाड में होगा। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 139 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर टीम इंडिया ने 70 वनडे मुकाबले जीते हैं, वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने 63 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 4 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच बेनतीजा रहा। वहीं भारतीय टीम ने अपनी सरजमी पर 32 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी धरती पर 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं। और दोनों टीमों के आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि ये 3 मैचों की वनडे सीरीज हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम इस समय काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम को कम अंका नहीं जा सकता। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने कौन से 11 भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। बतौर ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर आएगी। जहां रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का बल्ला 2023 में शांत रहा, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस सीरीज में कमाल धमाल करेंगे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें तो टीम इंडिया के लिए 2023 में शानदार प्रदर्शन किया है, इसमें टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में उनका बल्ला खूब गर्जा है। जहां गिल ने IPL 2023 में 800 रब्बा रन ठोककर सभी को चौंका डाला, ऐसे में रोहित और गिल की जोड़ी हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कमाल करती हुई नजर आएगी। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली का तूफान आएगा। विराट कोहली नंबर 3 पर टीम इंडिया को मजबूती देते हैं और रनों की गति को भी बढ़ाने में क्षमता रखते हैं, ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली का तूफान आना तय है। नंबर 4 पर नाम आएगा सूर्य कुमार यादव का, जो मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं और मैदान के चारों ओर छक्के चौके लगाने में माहिर हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव अभी तक T20 की तरह वनडे में छाप नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। नंबर 5 की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को रोहित ने शामिल कर सभी को चौंका डाला। आपको बता दें संजू सैमसन हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टैलेंट होने की वजह से उन्हें कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे में मौका दिया है, ऐसे में संजू सैमसन को पहले वनडे मुकाबले में अपने आप को साबित करना होगा। इसके बाद नंबर 6 पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या आएंगे और बल्ले से धमाल मचाएंगे। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो वक्त आने पर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक तो ले जाते हैं, ऐसे में हार्दिक पांड्या का उप कप्तानी के साथ साथ टीम इंडिया में अहम योगदान होगा। और एक और खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का नाम आएगा और 3D खिलाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं रविंद्र जडेजा, और इस समय रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में खेले गए IPL फाइनल मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन जोड़कर चेन्नई को ऐतिहासिक जीत दिलाई। रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी सामने वाली टीम के परकच्छे उड़ाकर रख सकते हैं। और इसके बाद शार्दुल ठाकुर का नाम भी इस प्लेइंग 11 में शामिल हो जाएगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शार्दुल ठाकुर ने कई मैच टीम इंडिया को अकेले दम पर जिताए हैं। साथ ही शार्दुल ठाकुर के पास मौका होगा कि इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप में जगह पक्की करें। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव को रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में मौका दिया है, वहीं 2 तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। तो दोस्तों आपकी इस प्लेइंग 11 पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वहीं दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस की बात करें तो यह 6:30 बजे टॉस उछाला जाएगा। तो दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।